सो क्वेश्चन नंबर फोर देखें, हमारे पास है विच टर्म ऑफ द एपी 3818 तो गिवन एपी क्या है हमारे पास? गिवन एपी इज 3818 -- हियर ए इज इक्वल्स टू 3, डी इज इक्वल्स टू क्या देगा 8 -3 डेट इज इक्वल्स टू 5, और हमें एन दिया गया है इस बार 78, और हमने ना एन का वैल्यू फाइंड आउट करना, हमें एन नहीं गिवन है, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो वही करेंगे जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, वी नो एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, नो यहां पे देखें दिस इंप्लाइज दैट क्या ए एन हमें पता है क्या है, सबकी वैल्यूज डाल देते हैं, 78 इज इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 5। n minus 1 into 5, 75 is equals to n minus 1 into 5, यहां पे आपके पास आ जाएगा 75 upon 5 is equals to n minus 1, 15 is equals to n minus 1 and this implies that 16 is equals to n, तो हमें आंसर मिल गया Which term is 78? 16th term is 78. ठीक है, तो हमें 16th term की value मिल गई, that is n की value 16 मिल गई, that is the answer for us. Right? अब same question है हमारे पास 5th का first part and 5th का second part. तो ये भी आप करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको question number 6th कराऊंगा. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11852 और नॉट। अब हमारे पास यहां पे गिवन एपी इज क्या दिया गया, गिवन एपी इज 11 8 5 एंड सो ऑन। हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसके बीच में, यानी इसकी एपी की टर्म है कि नहीं है, -150 इस एपी के बीच में आता है कि नहीं आता? इसके लिए हम लोगों को एन फाइंड आउट करना है फिर से, जैसे हमने पहले फाइंड आउट किया। बट इंपॉर्टेंट क्या होता है, एन की अगर हम कभी बात करेंगे ना, तो एन हमेशा एक क्या आना चाहिए, एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। n can never be in fraction. तो अगर n fraction में आता है, इसका मतलब गड़बड़ी है, फिर तो छोड़ ही दो ना बात। और अगर n हमारे पास fraction में नहीं आता, मतलब natural number आता है, whole number आता है, then things are in our favor. तो यहाँ पे given AP is 11 8 5, ये हमारे पास है। Here A is equals to 11, D is equals to 8 - 11 equals to -3, and AN हमने लिया -150। करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले किया। We know
ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सो दिस इंप्लाइज दैट माइनस 150 इज इक्वल्स टू क्या देगा हमारे पास ए यानी 11 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी इज माइनस टू। ओके अब आप यहां पे देखें दिस इंप्लाइज दैट माइनस 150 माइनस 11 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू माइनस थ्री, दिस इंप्लाइज दैट 161 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू माइनस थ्री, दिस इंप्लाइज दैट माइनस 161 अपॉन माइनस थ्री इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। ये हमारे पास क्या बन जाएगा n is equals to, if we see, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, n is equals to 161 upon 3 plus 1 आ जाएगा, n is equals to 161 plus 3 upon 3, this implies that n is equals to 164 upon 3, which is a फ्रैक्शन। अब n हम लोगों ने अभी बात की कि n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, सो हेयर हम लोग यहां पे बोलेंगे हेयर n इज ए फ्रैक्शन एंड नॉट अ नेचुरल नंबर। N is a fraction and not a natural number. Therefore, minus 150 is not the term of the AP. तो भैया इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इसके लिए हमें चाहिए कि माइनस 150 जो हमारे पास n है उसकी वैल्यू हमें हमेशा होल नंबर्स या नेचुरल नंबर में चाहिए, ठीक है। सो इसको जल्दी से होल नोट करेंगे आप, वैसे तो होल नंबर नहीं होगा क्योंकि होल नंबर में जीरो भी आता है, इट विल ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर, तो इट विल ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये नेचुरल नंबर नहीं था। तो फटाफट से इसको देखें, नोट करें, समझें और उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये बोलता है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 60th टर्म इज 73। ओके अब देखिए इसने हमें ना दो चीजें दी हैं, 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। हम इसको ना ऑलमोस्ट क्या करेंगे, दो इक्वेशंस बनाएंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें कैसे, नंबर वन हमें इसमें ना तो फर्स्ट टर्म गिवन है ना ही कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो हम यहां पे लिखेंगे लेट स्मॉल ए, हम जनरली स्मॉल ए को फर्स्ट टर्म लेके चलते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। And D be the common difference. अच्छा अभी ना हम एक और नई चीज सीखेंगे यहां पे, पहले तो इसको मैं लिख दूं D be the common difference। अब हमारे पास क्या दिया गया है, here T11 is equals to 38.
यहां पे ना हम इसको डायरेक्टली लिखा करेंगे क्या, ए प्लस 11 माइनस 1d है ना, ए प्लस 11, टी 11 क्या हो गया, टी 11 हो गया ए प्लस 11 माइनस 1d, और 11 माइनस 1 क्या होता है 10, तो ए प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38। इसको मैं इक्वेशन 1 ले लूंगा। दोबारा से समझिए इस बात को, हमारे पास क्या है a प्लस 10d, ठीक है, हमारे पास ये क्या है a प्लस 10d, 10d क्यों, क्योंकि t 11 इज इक्वल टू 38, तो t 11 क्या होता है a प्लस 11 माइनस 1d, तो उस बात को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि इट इज इक्वल टू 10d, ठीक है। सिमिलरली टी 16 हमारे पास क्या आएगा, टी 16 हमारे पास आएगा 73। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कम ऑन कौन बताएगा मुझे क्या लिख सकता हूं, टी 16 इज इक्वल्स टू 73 सर, ए प्लस ब्रैकेट 16 माइनस 1 इनटू डी, हम इसको अब डायरेक्टली लिखेंगे 16 माइनस 1 को 15d इज इक्वल्स टू 73। तो ये दो इक्वेशंस हमें मिल गई। हमारा पहला काम है ए और डी फाइंड आउट करना, और ए और डी के लिए हमें दो इक्वेशंस की जरूरत होती है, वो हम लोगों को मिल गई है यहाँ पे, ठीक है। नाउ आपने सिंपली क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग, छोटी में से बड़े को, बड़े में से छोटी को माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो दिस इंप्लाइज दैट a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73, a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38। इसको हम लोग माइनस कर दें तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम दिस एंड दिस कॉन, ये आ जाएगा 15 माइनस 10 इज 5d is equals to 35, and d is equals to 35 upon 5, this implies that d is equals to 7। ये हमने d का value find out कर दिया जैसे हमने पहले भी किया था। अब क्या करेंगे, अब d की value find out करने, a की value find out करेंगे, तो d की value को substitute करेंगे, substituting D in first, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा a plus 10 into 7 is equals to 38, ये आ जाएगा equals to 38, a plus 70 is equals to 38, a is equals to 38 minus 70, a is equals to minus 32, a is equals to minus 32, a मिल गया, d मिल गया। अब हमें find out क्या करना है, question में 31st term find out करनी है, we have to find this 31st term, तो we know now, अब इसको हमें वो लिखने की जरूरत भी नहीं है, हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, ए टी 31 इज इक्वल्स टू, हमें क्या करना है 31 टर्म फाइंड आउट करनी है, टी 31 इज इक्वल्स टू ए प्लस 31 माइनस 1 यानी 30d। बस अब इसको सीधा, अभी आपने आदत डाल देनी है कि इसको हम सीधा लिखेंगे, टी 31 इज इक्वल्स टू ए प्लस, ए हमारे पास क्या था, ए वॉज माइनस 32 प्लस 30 into 7, और ये हमारे पास आ जाएगा टी 31 इज इक्वल्स टू माइनस 32 प्लस 210 एंड टी 31 इज इक्वल्स टू 178। तो दिस इज द आंसर फॉर अस।
So I hope it is clear to you. Just note this down. अभी आप पहले नोट करेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे, और जिसको कोई बात समझ नहीं आएगी फिर उसके बाद वो मुझसे पूछेगा. ये बोलता है थर्ड एंड नाइन टर्म ऑफ एन एपी आर फोर एंड माइनस एट एंड विच टर्म ऑफ द एपी जीरो. अब देखें अगेन हमें ए और डी नहीं पता, हम लिखेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड D be the common difference. So therefore, as T3 is equals to 4, this implies that A plus 2D is equals to 4. Is from laying equation number 1. 3 minus 1 of that 2. And then T9 is equals to minus 8. This implies that A plus 8D is equals to minus 8. Isko hum lenge second. Now, subtracting, wahi, jaise hum hamesha karte hain, A aur D ka value nikalenge. Subtracting first from from second. तो याद आएगा a plus 8d is equals to minus 8, a plus 2d is equals to minus 4, is equals to 4. Subtract करेंगे तो ये minus हो जाएंगे, a और a cancel हो जाएंगे, और हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा सिक्स डी इज माइनस 12, डी इज इक्वल्स टू माइनस 2. वी गॉट द वैल्यू ऑफ डी. फिर जब डी की वैल्यू मिलती है तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं डी की वैल्यू को. सब्स्टिट्यूटिंग डी इन फर्स्ट तो आपके पास क्या बन जाएगा, a प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4, a माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4, a इज इक्वल्स टू 8. अब a भी मिल गया, d भी मिल गया, a और d दोनों मिल गए. नाउ हमें फाइंड आउट करना है जीरो क्या होगा. ऑल्सो an इज इक्वल्स टू 0. अब यहां पे आप इसको यूज करो, वी नो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. हमें n का वैल्यू निकालना है क्योंकि पूछता है विच टर्म, तो याद आएगा 0 इज इक्वल्स टू ए 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 2. माइनस 8 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 2. माइनस 8 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1. ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 एंड हेंस एन इज इक्वल्स टू 5. तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर अस कि एन इज 5. तो हमें इसी चीज को ही ध्यान में रखना है कि हम लोगों के वही फॉर्मूला यूज हो रहा है. अभी तक हमने जिस फॉर्मूला को पढ़ा वही फॉर्मूला हम लोग यूज करके चल रहे हैं.
सो गो थ्रू दिस। शाबाश, कुछ ऐसी बात जो समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल गिव यू सम होमवर्क सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट एंड गिव मी द आंसर फॉर दोस क्वेश्चंस। आज इतने रखते हैं, कल मुलाकात करेंगे आपसे, फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, और ढेर सारी पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। जय हिंद।